मिर्जा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी और बाबा फरीद सरफ धर्म सेवा समिति ने हर साल की तरह इस साल भी महदिया गांव में जाकर कुछ जरूरतमंद महिलाओं को सूट बांटे। इस मौके पर सरपंच बलवंत सिंह महदिया ने कहा, मिर्जा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी और बाबा फरीद सेवा समिति 26 सालों से सेवा के काम को अंजाम दे रही है। हाजी बाबा हमेशा कोशिश करते कि हम हमेशा जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करें। कृपा तो ऊपर वाले की है, हम तो सिर्फ एक जरिया मात्र है। हाजी बाबा दिलशाद ने कहा, बहुत भाग्यशाली है वह इंसान जो किसी के काम आए। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, हम सब उस खुदा के बंदे हैं। अपने वतन वालों से मोहब्बत रखना ईमान की अलामत है। आओ हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें। हम हिंदुस्तानी हैं, इस्लाम हमें यही सिखाता है, जमीन वालों पर रहम करो, रब तुम्हारे पर रहम करेगा। हम सबको चाहिए हम अपने अपने एरिया में हर एक दूसरे की सेवा करें, जब हम सबको अमल वाली जिंदगी दें। इस मौके पर जसविंदर सिंह, महबूब अली, बलवंत सिंह महदिया व अन्य हाजिर थे। सबका सरपंच पिंड महदिया ते अपने बाबा फरीद सेवा सोसाइटी दे नाल, हाजी बाबा जी दे नाल असीं उन्हां दे मैंबर दे तौर ते काम करदे हां। ते हाजी बाबा जी रहनुमाई दे विच रह के असीं कुड़ियां दी शादी दे समान और जो भी साडे कोलों लोक भलाई दे काम हुंदे आ उह करदे हां। बाबा जी बहुत मेहनत करके लगन नाल लोड़वंद परिवारों का लोड़वंद परिवारों सहायता देंगे। तो दिवाली के मौके पर अज साढ़े वर्कर लेडीज़ को उन्होंने सूट दिते हैं, तो ये सारे की हौसला अफजाई हुई है। तो असं कहने साढ़े हाजी बाबा जी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर, इन्होंने लंबी उम्र हो, इदा ही सारे देश की कौम की सेवा करते रहे। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू। दोस्तों, सत श्री अकाल आदाब। आज बड़ी खुशी का दिन है, मुस्लिम वेलफेयर मिर्जा मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी और बाबा फरीद सरधर्म सेवा सोसाइटी, जो कि हमारी मतलब बिरादरी से भी ताल्लुक़ है और वो भी बहुत समय समय पे काम कर रहे हैं। और आज हम महदिया में आए बलवंत सिंह जी के यहाँ। जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं एक वर्कर हूँ, ये वर्कर नहीं बल्कि इनकी सहायता के बिना हम अधूरे हैं। दो दोस्त, पंजाब का निज़ाम बहुत ही अनवधिया अच्छा है कि एक दूसरे की सहायता भी होती है। और जैसे कि कहा कि किसी के काम आना ही जिंदगी है, ज़िंदगी मोहब्बत का दूसरा नाम है। गुरुओं को मानने वाली धरती है, पीर फकीरों की है। और मैं ये कहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में जितना पंजाब की सरजमी पवित्र धरती फतेहगढ़ साहब की है और यहाँ पर लोग सेवा में दिन रात लगते हैं, तो इसी तरह हमारे बलवंत सिंह महदिया जी जो हैं हमेशा, जैसे कि सिलाई मशीन हो, हमेशा अभी तक जितनी भी सिलाई मशीन हम शादियों में हमने दी तो इन्हीं के यहाँ से हो, और इनका योगदान वैसे भी समय समय पर होता रहता है और आज भी इन्हीं का योगदान की वजह से काम हुआ। तो मेरी इल्तिजा है तमाम नगरवासियों से भी, औरों से भी, कि अपने अपने एरियो में आप सेवा के काम करते रहो। और मैं मिर्जा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी को भी बधाई दूँगा कि उनका ये निज़ाम हम पंजाब में भी हमारा है और चल रहा है और जगह जगह, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हो, अपने अपने एरियो में करो। और मैं कहूँगा कि पंजाब जैसी जगह से हम सीखें। आज सिख धर्म में वो चीज़ है जो इस्लाम में है कि फरीदा बुरे का भी भला कर जो तो अकल लतीफ़ है। और शुरू के शब्दों में मैं एक और बात कहूँगा कि अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंद है, जो कोई बहुत अहम चीज़ें हैं, अगर हम इस पर अमल कर लें तो खैर हो। आप किसी भी मतलब गुरुद्वारे में जाएँ, बहुत अहमियत मिलती है कि कोई भी जाए हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते हैं, गुरु का लंगर पानी चाय सब देते हैं। वहाँ ये नहीं पूछते कि मियाँ जी आप कहाँ से आए। तो हमें इन चीज़ों को सीखना है,
और हमें अपने हिंदुस्तानियों के लिए अपने वतन वतन वालों से मोहब्बत भी करनी और उनकी सहायता में जहाँ तक हो सके हम खड़े हों। तो देखिएगा हमारे देश में कितनी अच्छी बात है कि हम सभी धर्म के लोग एक दूसरे के मिलजुल कर त्यौहार भी मनाते हैं और खुशियों में भी शामिल होते हैं। तो दोस्तों मैं फिर एक बार सबसे इल्तिजा करूँगा कि अपने अपने एरियो में उत्तम कार्यों में रहो, ये किसी की दुआओं का असर होता है। तो मेरी तो सबके लिए अरदास है, दुआएं कि परमात्मा सबको अच्छा रखे, लंबी उम्र दे, और बलवंत सिंह जी के लिए भी कि अल्लाह ताला इनकी रोज़ी में बरकत दे, इनकी फैक्ट्री में खैर बरकत दे, इनके घर परिवार में भी, और जो जो हमारे साथ में लगे हुए हैं उनको भी अच्छा रखे, जो नहीं लगे हुए उनके लिए भी भला हो। मैं हाजी बादल साहब फतेहगढ़ साहब जो गरीब परिवारों को हौसला अफजाई किया है, ऐसे ही सभी के साथ मिल बतन करके सभी को संदेश दे रही है कि एक हो जाओ, एक को मनो, एक किस तरफ चलते रहो, अपने अपने गुरु पीर पर नंबरों को मानते हुए सभी गरीबों को मदद करने के लिए आगे से आगे बढ़े। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।